हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता गोसल आज हेयर स्टाइल का सेशन लेके आई हूँ। सेशन आज 14th है। पहले की 13 हेयर स्टाइल मेरे पेज पे ऑलरेडी सेव है। जो जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते, न्यू है, वो मेरे पेज पे जाके 13 हेयर स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, सब लोग लाइव में जुड़े तो मैं हेयर स्टाइल स्टार्ट करती हूँ, अदरवाइज किसी का मिस हो जाएगा। तो उसके पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। हमारा कल से नया हेयर स्टाइल का मास्टर क्लास स्टार्ट हो रहा है 16 से 20, जिसमें क्विक हेयर स्टाइल भी होगी, इंटरनेशनल हेयर स्टाइल्स भी होगी। क्विक में भी कैसे ट्रिक्स यूज करनी है, इंटरनेशनल भी इजी वे से कैसे करना है, वो पूरा डिटेलिंग में नॉलेज रहेगा। ऑनलाइन कोर्स है तो हर कोई पूरे इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से, कहीं से भी लोग जुड़ सकते हैं ये कोर्स के लिए। जो जो लाइव आए हैं उनको हाय। हेयर स्टाइल के स्टार्टिंग के पहले मैं प्रिपरेशन का बात करूं तो प्रिपरेशन में हम फुल हेयर को आयनिंग भी कर सकते हैं अगर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये हेयर स्टाइल ऐसी है जो हम ओपन हेयर में भी कर सकते हैं, बन में भी ये वेरिएशन दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं वो है, इसको या आयनिंग किया है, आपके पास टाइम है तो आप क्रिम्पिंग भी करो, एटलीस्ट फिनिशिंग लेवल बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। हम स्टार्ट करते हैं अभी हेयर स्टाइल। अगर आप देख रहे हो, लाइव में आए हो, तो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी लाइव आ सके और हमें देख सके कि कैसे लाइव में डिटेलिंग में होता है। वैसे ही उससे भी अच्छा डिटेलिंग में क्लासेस होते हैं मास्टर क्लास में, जो अभी हमेशा 3 दिन के या 2 दिन के रहते थे, ये टाइम 5 डेज के कोर्स रखा है। तो जो भी अभी लॉकडाउन में नहीं सीख पा रहे तो वो लोग का ये पूरा एक सेशन होगा, जो 5 से 8 हेयर स्टाइल 5 दिन में होगा, विद प्रैक्टिस कर सकते हो आप। आपका साथ में, मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना है तो वो भी साथ में कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज लाइव में कैसे हेयर स्टाइल स्टार्ट करनी है। आई होप आपको दिख रहा रहेगा, क्लियर रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छे से टैंगल फ्री कर लो। मैंने पूरे हेयर को आयनिंग करके रखा हुआ है। दिख रहा है ना नीचे? दिख रहा है। जो जो जुड़ना चाहते हैं क्लासेस के लिए, वो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो रजिस्टर करने के लिए। आपकी सीट्स कमेंट में नंबर ऑलरेडी है, डिटेल भी क्लासेस के है। और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या कॉल करके भी पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9773354947। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी हेयर स्टाइल। सबसे पहले हमें, अगर हमें थोड़ा सा उन्हें कर्ल्स रखना है फ्रंट पे क्लाइंट के, तो हम थोड़ा सा आगे कर्ल्स के लिए बाल छोड़ देंगे। अगर नहीं रखना है, मैं यहाँ पे नहीं रख रही हूँ, पूरे के पूरे बाल पीछे ले रही हूँ, आप चाहे तो रख सकते हो। जो जो लाइव आए हैं देख रहे हो, हाय भेज दो ताकि मुझे भी आइडिया है कौन कौन आया है। कभी भी कहीं पे भी कुछ डाउट्स हो, नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। स्क्वायर पार्ट लिया है आगे से फ्रंट। ऐसे लेंगे। अच्छे से फिनिशिंग के लिए हम थोड़ा सा शाइन स्प्रे करेंगे। यहाँ पे हमने लिया, फिर हम उसके ही नीचे से एक पार्ट लेंगे। बहुत बड़ा पार्ट नहीं लेना है, एकदम छोटा सा।
नीचे से लिया है, दिख रहा है कितना स्मॉल सेक्शन लिया है। हाय जो जो आए उनको सबको हाय। आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी लाइव आ सके। इवन आप शेयर करोगे तो ये हेयर स्टाइल आपके प्रोफाइल में रहेगी, तो आप जब चाहे तब देख सकते हो। यहाँ ऊपर के पार्ट को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, फिर नीचे से जो है उसको मैं टर्न कर रही हूँ। सिर्फ नीचे से ही टर्न लेना है, ऊपर से टर्न नहीं लेना है हमें। और ये टर्निंग टाइट रहे उसका ध्यान रखना, वरना बहुत लूज लूज हो जाएगी आपकी हेयर स्टाइल। आई होप अभी क्लियर दिखाई देता रहेगा। सिर्फ टर्निंग किया है नीचे से, 8 शेप में टर्न करते जाना है और बालों को ऐड करते जाना है। जितना छोटा सेक्शन लोगे उतना ही फिनिशिंग में लुक आएगा आपका। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा सेक्शन नहीं लेना, छोटे छोटे सेक्शन में काम करना। फिर उसको ही ऐड कर रही हूं मैं। ऐड करने के बाद नीचे का पट्टी वापस से उस पे से टर्न करूंगी। ये हम लाइव में भी अपने क्लाइंट्स को कर सकते हैं, ऐसे ही हेयर स्टाइल है। हमें क्लाइंट को कर सके हम ऐसे ही हेयर स्टाइल सीखना पसंद करते हैं जो हमें काम है। और एक बार इसमें हाथ बैठ गया तो आप ये क्विक भी कर सकते हो, तो जरूरी है प्रैक्टिस। डिटेलिंग में कैसे काम करना है वो पूरे पूरे सेक्शन नहीं ले रही हूं। हमारा इवन मेकअप का भी मास्टर क्लास है 2 दिन का, आप उसमें भी जुड़ सकते हो। लाइव में आपको देखने मिलेगा कैसे करना है, ट्रिक्स एंड ऑल। सिर्फ सेक्शनिंग दोनों साइड से प्रॉपर रहे इसका ध्यान रखना है आपको। और कभी भी पार्टीशन लो, बने उतना कोम से लेना है, हाथ से नहीं लेना है। लेने के बाद सेक्शन को अच्छे से फिनिशिंग दो, फिर उसको टर्न करो। अगर आपका ये खत्म हो रहा है तो आप नीचे से दूसरा उसको कंटिन्यूएशन में आप जोड़ सकते हो। सारे बाल थोड़े थोड़े करके हम इसमें एड ऑन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सेक्शन एक साथ नहीं लेना है।
छोटे छोटे जितने सेक्शन होंगे उतना ही काम आपका बहुत सुंदर दिखेगा, फिनिशिंग वाला भी दिखेगा, प्लस दिखने में भी अच्छा लगेगा। जो जो हमें फॉलो नहीं करते हैं, पेज लाइक नहीं किया है, वो लोग लाइक कर दो ताकि नए नए अपडेट्स, लाइव आने वाले मैसेजेस, हेयर स्टाइल, न्यू हेयर स्टाइल ट्रिक्स सब आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। भी ये एक 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 कैसे लाइंस दिख रही है, आप उसको चाहे तो ऊपर पुश भी कर सकते हो, पुल कर सकते हो। सेक्शन प्रॉपर लेना है, बड़े छोटे ना हो, उसका ध्यान रखना। और ये टाइट रहे उसका भी ध्यान रहना। बस इसको याद रखना है कि हमें नीचे से ही लेना है, ऊपर से नहीं लेना है। जहां पे आपका ऊपर से आया वहां पे रॉन्ग हो जाएगा ये। जहां पे भी ऐसा लगे आपको खत्म हो रहा है आपका टर्निंग वाला पट्टी, तो आप उसमें नीचे से ऐड कर सकते हो। एडिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पट्टी खत्म हो गई है, अभी ऐड कैसे करें हम। बहुत अच्छे से सेक्शन लेना है और टाइट रखना है, लूज ना रहे ये ध्यान देना। अच्छे से फिनिशिंग देते हुए ही हमें आगे जाना है। ये अभी कान तक के बाल आ चुके हैं, अभी ये यहाँ से लास्ट पार्ट है हमारा एड ऑन करने का। एकदम ऊपर से ही स्टार्ट करना है तो आपका फिनिशिंग लुक नीचे तक दिखाई देगा। वहां से भी लास्ट, यहां से भी एंड होना चाहिए, तो ही आपका इक्वल दिखेगा, अदरवाइज ऊपर नीचे दिखाई देगा। अभी हमारे पूरे पार्ट्स को हमने आगे से
ईयर टू ईयर पार्ट बोलते हैं, वो पूरे बाल आ चुके हैं। अभी हम जो हमारे हाथ में है उस पे काम करेंगे। ये वाले बालों को हम ऐसे ही रख देंगे। कान तक आपके बाल आ जाए वहां तक लेना है आपको। एक पार्ट और ले रही हूं। यहां तक होने के बाद हम अभी एक 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 पोर्शन को निकालना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे हाथ में है उसे ही। नीचे से अगर आपको लगे आपका सेक्शन खत्म हो रहा है तो उसमें एड ऑन कर दो। और अभी हमारे पास जो भी है, पहले एक टर्न ले लेंगे उसका। पहले एक टर्न ले लिया है उसे टाइट करने के लिए। फिर हम एक 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 पार्ट अभी रिमूव करेंगे। उसमें भी बहुत बड़े बड़े सेक्शन रिमूव में नहीं लेने हैं, छोटे छोटे सेक्शन से ही हम रिमूव करेंगे। एक सेक्शन यहां से तो एक सेक्शन यहां से ऐसे ही रिमूव करेंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया रहेगा कैसे कहाँ से लिया है, टर्निंग कहाँ से किया है। जैसे जैसे ऐड किया है हम वैसे वैसे ही अभी रिमूव भी कर रहे हैं। रिमूव करना है और सिर्फ टर्निंग करना है। अभी इसके बाद ऐड नहीं होगा, रिमूव होते होते ही सिर्फ टर्न हो रहा है अभी। बहुत इजी है, ट्राई करना सब लोग। सेक्शन कभी भी कोम से ही निकालना ताकि एक अच्छे से ऊपर से सेक्शन निकले और नीट सेक्शन बाहर आए। एकदम टाइट करते करते हमें नीचे जाना है अभी। जो भी सेक्शन हम टर्न कर रहे हैं
याद रखना सिर्फ नीचे से ही करना है, ऊपर से ना हो, उसका ध्यान रखना। और टर्निंग करते वक्त पट्टी को टाइट करते रहना, ताकि एक एक सेक्शन जो निकाल रहे हैं एकदम अच्छे से टाइट रहे, लूजिंग में ना आए। हाय इशिता, आई एम फाइन। हाय एवरीवन जो ऑनलाइन है, सबको हाय फॉर वॉचिंग। आप आपके प्रोफाइल पे शेयर करो, इवन आपका जो ग्रुप में आप ज्वाइन है उसमें भी शेयर करो, ताकि और भी लोग इसको देख सके, हमारा निकालने वाला पॉइंट। बस ये लास्ट यहाँ पे हम इसको सिर्फ टर्न करते करते एंड करेंगे। अभी हम पार्ट निकाल नहीं रहे हैं, बस इसको एंड कर रहे हैं, टर्निंग कर करके। जहाँ पे आपके बाल खत्म हो जाए फिर आपको नीचे की साइड में ये बॉबी पिंस करनी है, एक बॉबी पिन से उसको एंड कर देना है। छोटी वाली बॉबी पिन लिख के हम इसको एंड कर देंगे। अब हम चाहे तो यहाँ पे जो लाइंस है इसको बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, पुल कर सकते हैं, ताकि हमारी लाइंस और अच्छे से दिखाई दे। इवन हम चाहे तो उसको यू पिंस डाल के भी उसको स्टैंडिंग में हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही सिर्फ उठा रहे हैं एक 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 एक। यहाँ पे हम यू पिंस डाल के इसको हार्ट स्प्रे से भी फिक्स कर सकते हैं, ताकि वो अच्छे से एक 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 पार्ट की लाइनिंग्स दिखाई दे। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, या इवन यू पिन से हम एकदम क्लियरली लाइन दिखे ऐसे लाइंस भी कर सकते हैं, जो अच्छा लुक देता है। थोड़ा लाइंस क्रिएट होंगे, इंटरनेशनल टच मिलेगा हमारी हेयर स्टाइल्स को, और क्लाइंट्स भी थोड़ा वेरिएशन चाहते ही है कि कुछ वेरिएशन उनको मिले। जैसे जैसे एक एक पार्ट हमारा फिक्स हो रहा है वैसे ही हम हार्ट स्प्रे भी कर देंगे उसको। टर्निंग टर्निंग में होना चाहिए,
एक 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 को हार्ट स्प्रे कर रही हूँ मैं, और अच्छे से उसको हाथ से तुरंत प्रेस कर रही हूँ। हमारा एक साइड से हो चुका है, अभी हम वैसे ही सेकेंड साइड में करेंगे। हमें जैसी लाइंस चाहिए क्लियरली, वैसे हम उन्हें क्रिएट करके कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे और अच्छे से हमारी एक एक लाइंस क्लियरली दिखेगी। ये पार्ट को स्किप नहीं करना है, अच्छे से आप दिखा सकते हो आपका काम फिनिशिंग वाला, और थोड़ा वेरिएशन भी कर सकते हो। हाँ, अगर किसी को मैसी चाहिए, इतना लाइंस नहीं चाहिए, तो आप विदाउट लाइंस उन्हें करके दे सकते हैं। इवन अभी आप ओपन में भी रख सकते हैं नीचे, प्लस कर्ल्स कर सकते हैं, यही इसको हम बन में भी कर सकते हैं ट्रांसफर। एक ही हेयर स्टाइल रहती है, लेकिन उसमें कितना कुछ कर सकते हैं। वैसे ही हम मास्टर क्लास में भी नए नए वेज दिखाते हैं, जो एक ही हेयर स्टाइल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो पूरा डिटेलिंग में दिखाते हैं मास्टर क्लास में। विद सर्टिफिकेट है तो आपको कोर्स का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता है ज्वाइनिंग का। यहाँ पे भी हमने एक 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 पिंस पहले मैंने फिक्स किए, फिर ही मैं इसको एक 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 लाइंस को स्प्रे कर रही हूँ। तुरंत के तुरंत ही उसे हाथ से जहां पे उठाना है, स्प्रेड करना है, करना। नहीं, मास्टर क्लास हमारा है 5 days का, उसकी फीस है 2000 rupees। ऑनलाइन क्लास है ये, आप कहां से भी घर पे बैठ के ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू वेरिएशंस है, हमें ऑर्डर में कौन सी हेयर स्टाइल क्विक में काम आ सकती है, प्लस इंटरनेशनल हेयर स्टाइल भी हम क्लाइंट पे कैसे अच्छे से करके दे सकते हैं, फास्ट क्विक वर्क कैसे कर सकते हैं, पूरा डिटेलिंग में नॉलेज रहता है। यहाँ पे अभी हमारा ये पूरा क्रिएशन रेडी है। अभी हम चाहे तो पीछे से इसको हम कर्ल्स कर सकते हैं, ओपन में भी रख सकते हैं, लेकिन आज का वेरिएशन बन में है, तो यही इसको मैं बन में ट्रांसफर करूंगी। जो भी हमारे बाल जो पीछे से हमने निकाले हैं उसको एक साइड कर देंगे, और नीचे के बालों को हम बन करेंगे। नीचे से बन कैसे करना है वो पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। सारे बालों को
एक साथ ले लेंगे नीचे से जो बचे हुए हैं। हल्का सा शाइन स्प्रे प्लस नॉर्मल स्प्रे, अगर कोई बेबी हेयर्स रहेंगे तो वो सब इसमें आ जाए। हार्ड स्प्रे भी यूज कर सकती हो, इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। सिर्फ स्प्रे यूज करने का टेक्निक है कि कोई भी बेबीज हेयर हो, एक बार रबर बैंड आ जाएगी फिर आप उसको कवर नहीं कर सकते। यस कीर्ति, ये वीडियो सेव रहेगा, आप अगर चाहते हो तो आप शेयर भी कर सकते हो ये वीडियो को। ताकि आपके प्रोफाइल में रहे, इवन आपके फ्रेंड्स भी ये वीडियो देख सके, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जहाँ जो यहाँ पे लाइव है वो शेयर करो। नीचे से बन बनाएंगे अभी। डबल रबर बैंड, कभी भी टाइट पोनी के लिए डबल रबर बैंड लेनी है। बड़ा सा स्टफिंग लिया है, अच्छे से उसको स्प्रेड कर देंगे। जितना टाइट रहेगा उतना ही नीट वॉक रहेगा। जिसका भी मिस हुआ है ये वीडियो सेव हो जाएगा तो बाद में देख सकते हो। इवन हमारा मुंबई में एकेडमी भी है मुलुंड में, आफ्टर लॉकडाउन जिनको पूरा कोर्स करना है या एडवांस हेयर स्टाइल का कोर्स करना है वो भी आ सकते हैं करने के लिए। उसमें भी विद प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड रहता है। ये फिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये फिक्स होने के बाद अच्छे से बीच से इसको हम सारे बालों को स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे यू पिंस लगा के। स्प्रे कर देंगे इसको, ये बालों को सबको अच्छे से सेट कर देंगे इसको। फिर अभी जो ये बाल है उसका करेंगे। यहाँ पे हमारे एक 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 बाल है, लाइंस क्रिएशन, उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। सबको हम बन पे स्प्रेड कर देंगे।
यहाँ पे एक 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 जो लाइंस दिख रही है उसको ही पूरे बंद पे हमें स्प्रेड करना है। बहुत अच्छे से पूरे बंद पे हम इसको स्प्रेड कर देंगे। फर्स्ट हम लोग सिर्फ उसका फिक्सिंग पार्ट करेंगे, फिर उसको अच्छे से फिक्स करेंगे। हाथ में लेके एक 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 पार्ट को हम अलग कर देंगे ऊपर से नीचे तक। यही क्रिएशन हम ओपन में किया, यही क्रिएशन हमने बन में भी करके दिया। वैसे ही बहुत सारी ऐसी हेयर स्टाइल्स हैं, एक में ही बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जब तक नहीं देखेंगे नहीं सीखेंगे तब तक हमें भी पता नहीं होता है कि इसमें ये कर सकते हैं। और सारी हेयर स्टाइल्स मास्टर क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाई जाती है। अब तक 2 मास्टर क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 3rd मास्टर क्लास का बैच है। और ये मेगा बैच है, पहले के बैच में बहुत लिमिटेड एंट्रीज रख रही थी, इसमें बहुत सारी एंट्रीज रखी हुई है, तो आप जुड़ सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी जुड़ सकते हो। ग्रुप में आने वाले को स्पेशल डिस्काउंट भी है। हमने यहां से बीच तक लेके आए स्प्रेड करके, सेम वैसे ही हम अभी यहां पे भी एक 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 आएंगे ताकि वो बहुत इवनली सब पूरे बन पे स्प्रेड हो जाए। हमारा एक 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 पार्ट ऊपर से ही निकला हुआ है, मैं अलग से पार्टिंग नहीं कर रही हूँ, जो पार्ट है उसको ही सिर्फ अच्छे से एक दूसरे से अलग करके सेट कर रही हूँ। बहुत अच्छे से एक दूसरे के पार्ट को अलग करना है। कि वो एक दूसरे में लाइंस ऊपर से नीचे तक दिखाई दे, एक दूसरे में वो मर्ज होती हुई ना दिखाई दे।
हमारा एक मेकअप का भी मास्टर क्लास हो चुका है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं मेकअप का मास्टर क्लास। मेकअप का मास्टर क्लास डेट में बाद में डिक्लेयर कर दूंगी, मेरे पेज पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, डेट्स एंड ऑल, प्रोडक्ट डिटेलिंग, उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, थियोरी एंड ऑल। सी हमारा पूरा एक 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 लाइंस अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है, अब हम इसको एक एक लाइंस को पहले तो स्प्रे से फिक्स करेंगे, फिर ही उसको नीचे से फिक्स करेंगे। ये ऐसे अलग करना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली आप लगाओगे कभी अनइवन पार्ट आ जाएगा तो आपका बैठेगा नहीं। अभी हमारा ये एक एक पार्ट रेडी है, अब इसको हम सिर्फ हार्ड स्प्रे करना है, लाइंस क्लियरली दिखे। अगर आपको हेयर स्टाइल अच्छे से दिखाई नहीं दे रही हो, कमेंट्स आ रहे हो, तो आप आपकी स्क्रीन को राइट साइड ना राइट साइड में स्क्रॉल कर देना, तो आपका कमेंट्स स्वाइप कर देना, तो आपके कमेंट्स का सेक्शन निकल जाएगा और अच्छे से हेयर स्टाइल दिखाई देगी आपको। अभी हम लाइंस को अच्छे से हार्ड स्प्रे कर देंगे। सेटिंग बहुत जरूरी है, मिडल पार्ट मिडल में ही आए, साइड में ना चला जाए, उसका ध्यान रखना। तुरंत के तुरंत उसे सेट करना, वरना वो ड्राई हो जाएगा, फिर आप उसको सेटिंग नहीं कर पाओगे। और ये सेटिंग हार्ड स्प्रे से ही करना है, नॉर्मल स्प्रे से नहीं होगा। कैसे पूरे इसमें स्प्रेड किया है वैसे ही आपको पूरे इसमें स्प्रेड करना है, और फिर बचे हुए बालों को बन के नीचे हम फिक्स कर देंगे। यू पिंस, बॉबी पिंस, आपको जिससे कन्वीनियंट हो आप उससे उसको फिक्स कर सकते हो। फिक्सिंग के लिए एक साथ सबको नहीं ले लेना है, वरना वो एक एक लाइंस क्लियरली नहीं होगी, सब में मैच हो जाएगी। थोड़े थोड़े पार्ट लेना, दो 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 लाइंस बन में नीचे से फिक्स करना है हमें।
हेयर स्टाइल करते वक्त शायद मैं सबके कमेंट्स ना पढ़ पाऊँ। आफ्टर दैट आप मुझे पर्सनली भी कुछ डाउट्स आएंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्लासेस की इंक्वायरी या कुछ भी मैसेज रहेंगे, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ तभी। लास्ट में क्वेश्चन सेशन 5 मिनट्स रखूंगी, आप पूछ सकते हो तभी। मैंने सारे नीचे के सेक्शन जो एक्स्ट्रा पार्ट थे वो बंद में नीचे से फिक्स किया है विद द हेल्प ऑफ व्यू पिंस। अभी यहाँ पे हमारा फाइनल होने के बाद वापस से एक बार पूरे इसको हम अच्छे से लॉक कर देंगे स्प्रे से ताकि वो सेट हो जाए, और तुरंत के तुरंत यूपिंस हमें नहीं निकालनी है, उसे होल्ड होने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स रहने दो, एक बार वो सेट हो जाए फिर वो स्प्रे से वो सेट रहेगा, उसको फिर ज़्यादा करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यूपिंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो होल्ड हो जाएगा आपका। अभी हमारे ऊपर का लुक तो हो गया है तो वहां से यूपिंस निकाल देती हूँ और फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। हमारा फाइनल लुक रेडी है, आगे से पीछे तक का लुक दिखा देती हूँ। आप फ्रंट में चाहे तो आप रख सकते हो, अदरवाइज पूरा ऊपर ले सकते हो, इवन किसी को माउंट टिका डालना है तो भी वो ट्रेडिशनल टच है तो आप डाल सकते हो उसमें भी। यहाँ से पूरा पीछे ऊपर से लेके वेरिएशंस, नीचे भी पूरा वेरिएशंस, यहाँ से लेके पूरा एक 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 फिर नीचे के बालों को अच्छे से बन में स्प्रेड किया। यही टेक्निक्स है जो ओपन में भी हम करते हैं, यही हमने बन में भी करके दिखाया आज। आई होप समझा होगा, ना समझा हो तो आप रिपीट रिपीट सेक्शन वापस से देख सकते हो। ये वीडियो मेरा सेव रहेगा मेरे पेज पे, अंकिस ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी करके मेरा पेज है। आई होप सबको अच्छा लगा रहेगा, आप रिप्लाई में भेज सकते हो किसको अच्छा लगा और टेक्निक पसंद आई, एनी सजेशंस। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड दिस। थैंक्स जिन जिन को पसंद आया है ये हेयर स्टाइल।
वापस से रिपीट कर रही हूँ, जो नए रहेंगे ज्वाइन हुए रहेंगे, कल से हमारा 5 डेज का मास्टर क्लास हेयर स्टाइल का ऑनलाइन मास्टर क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 8 से 10 हेयर स्टाइल सिखाई जाएगी, जो क्विक में भी कैसे कर सकते हैं, वैसी हेयर स्टाइल रहेगी, ट्रेडिशनल वेस्टर्न लुक, ओपन हेयर वेरिएशन, ब्रेड्स में क्या वेरिएशन है, सब कुछ इसमें रहेगा। तो आप इसमें कम से कम टाइम में आप पूरा कोर्स एक कर सकते हो। इवन जो लोग नए हैं, जिनको बिगनर्स में बेसिक आता है, एडवांस में कुछ पता नहीं है, कैसे ट्रिक्स करते हैं, कैसे टेक्निक यूज करते हैं, वो डिटेलिंग में हमारी क्लास में सिखाया जाता है। विद सर्टिफिकेट कोर्स है, 16 से 20 तक का ये कोर्स है हमारा, ऑनलाइन कोर्स रहेगा जूम पे, तो जो भी ज्यादा लोग ज्वाइन हो सकते हैं, डिटेलिंग में देखने मिलेगा, प्लस आप पूछ सकते हो आपके डाउट्स, और नया कुछ सीखना है वैसे वो भी सिखाते हैं हम। तो जिन जिन जिनको ज्वाइन होना है वो लोग आज और कल सुबह 12 बजे तक आपका एनरोल करवा सकते हो। क्लासेस 3 से 5 में रहेंगे। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हो मुझे कॉल करके आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर वापस से रिपीट कर रही हूँ, 9773354947। ये वीडियो आप लाइव है तो आप जो आपके फ्रेंड्स ने नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके प्रोफाइल में भी शेयर करो। इवन आपका कोई पेज रहेगा या ग्रुप्स में ऐड हो उसमें भी आप शेयर कर सकते हो, तो वो लोग भी और लोग भी यहाँ पे जो नहीं जिनको नहीं पता है ये मेरा हेयर स्टाइल का सेशन, वो लोग भी नेक्स्ट टाइम से देख सकते हैं लाइव में। अदरवाइज यही हेयर स्टाइल वो लोग देख सकते हैं बाद में, रिकॉर्डेड लाइव है तो बाद में भी वो लोग देख सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट जब भी रहूंगी लाइव तभी मेरे पेज पे अपडेट आ जाएगा, आपको अपडेट्स आप चेक करते रहना। इवन मास्टर क्लास का भी अपडेट कभी है उसका अपडेट आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो बाद में। टिल देन ओके, नो क्वेश्चंस, ओके टिल देन, ओके बाय, थैंक यू सो मच।